Hello friends, from Mathematics 2, Chapter number 3, its circle. आज हम एक important example देखने वाले हैं from problem set 3, last question which is star question, question number 25. I'll read the question. See, in figure, see the figure, here it is, segment AD perpendicular BC, AD perpendicular BC, segment BE perpendicular AC, BE perpendicular AC, and CF perpendicular side AB, CF perpendicular side AB, it's given. It means point O is orthocenter. Point O is orthocenter. You know very well about orthocenter. Prove that. हमें prove करना है. Point O is in center of triangle DEF. Point O is also in center of triangle DEF. Triangle DEF text में नहीं दिया है, इसलिए मैंने O dotted line से दिखाया है. We have to prove point O is in center. It means this angle and this angle are congruent to each other. Ray FO is angle bisector of angle EFD. ये हमें prove करना है. So we will start from quadrilateral AFOE. See proof. In quadrilateral, मैंने अभी बताया आपको AFOE. A F O E angle A F O is equal to 90 degree and angle A E O is equal to again 90 degree. It is given perpendicular दिया है हमें, इसलिए हम इसे 90 डिग्री कह सकते हैं. इन क्वाड्रिलेटरल AFOE एंगल F एंड एंगल E आर अपोजिट एंगल्स एंड व्हेन इन क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक. हमने एक प्रॉपर्टी जो है कि देखिए, इसलिए मैं यहां लिखता हूं क्वाड्रिलेटरल AFOE is cyclic. रीजन हमें लिखना है अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल AFOE इज साइक्लिक. पहला पार्ट जो है वो हमने क्लियर करवा दिया. अगर क्वाड्रिलेटरल AFOE साइक्लिक है, सी हियर, अगर क्वाड्रिलेटरल AFOE साइक्लिक है तो हम यहां कह सकते हैं कि ए एंगल और ए एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. इसके वजह हम ए एंगल लेते हैं, क्योंकि इस एंगल में इंटरसेप्टेड आर्क जो है वो ओई की होगी. इसी तरह इस एंगल में इंटरसेप्ट की हुई आर्क भी ओई होगी, इसलिए दिस एंगल एंड दिस एंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. सो राइट हियर angle EFO, angle EFO congruent angle OAE, angle inscribed in same arc, angle inscribed in same arc. अभी तक हमने क्या क्या किया, फिर एक बार देख लो. नंबर वन,
quadrilaterals AFOE, cyclic दिखाने के लिए हमने property use की, corollary use की, opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. इसके बाद अगर ये cyclic है तो यहां हम सर्कल निकाल सकते हैं, और अगर हम सर्कल निकाल सकते हैं तो एंगल EFO एंड एंगल OAE, एंगल EFO मतलब A, एंगल OAE मतलब A, ये दोनों एंगल जो है वो दोनों एंगल congruent होंगे, क्योंकि एंगल इंसाइड इन सेम आर्क लेंथ. इस एंगल को हम x मानते हैं. एंगल EFO इक्वल टू एंगल OAE is equal to x degree. AB x है, AB x है. यहां तक तो हम आ पहुंचे. इसके बाद हम देखेंगे अगर CL इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC एंगल DAC, CD एंगल कैलकुली, एंगल DAC x डिग्री है, ये एंगल. दिस एंगल भी 90 डिग्री है. एंगल ADC 90 डिग्री है गिवन. देयरफॉर एंगल ACD, एंगल ACD का मतलब ये एंगल होता है पूरा का पूरा एंगल. ये पूरा एंगल जो है वो पूरा एंगल होगा सी x है, ये 90 है. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल अगर हम यूज करते हैं तो ये एंगल होगा 90 माइनस x, 90 माइनस x डिग्री. ये 90 माइनस x डिग्री कहां से आया, समझ में आया नहीं आया देख लो एक बार. ओके, इसके बाद हम जाएंगे इन ट्रायंगल FBC, सेम क्राइटेरिया एफ बी सी, एफ बी सी नहीं बी ई सी में जाएंगे आप. ईबीसी एंगल ई, एंगल बी एंड एंगल सी, इस एंगल पे जाएंगे. इस एंगल पे देखिए वंस अगेन एंगल ए जो है 90 डिग्री है. इट इज गिवन BEC is equal to 90 degree. BEC is equal to 90 degree. Angle ECB is equal to 90 minus x degree. Therefore, angle EBC, angle EBC should be x degree. Again, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इधर हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का यूज करने के बाद हमें मिला कि ये एंगल जो है ये एंगल भी एक्स है. यहां तक समझ में आ गया. अब हम जाएंगे क्वाड्रिलेटरल एफ बी डी ओ. इन क्वाड्रिलेटरल एफ बी डी ओ, एफ बी डी ओ कहां है पता चला, एफ बी डी ओ एक क्वाड्रिलेटरल. इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल एफ 90 डिग्री है, एंगल डी 90 डिग्री है. एंगल एफ, एफ मीन्स ओ एफ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री and angle ODB, angle ODB is equal to again 90 degree. Again given, given में perpendicular दिया है इसलिए हम उसे 90 degree भी कह सकते हैं. Therefore, quadrilateral FBDO is cyclic. Same here. Opposite angles are supplementary.
अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है, इसलिए क्वाड्रिलैटरल भी साइक्लिक हो गया। अगर क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक है तो यहां जैसे हमने एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क कहा था, इसी तरह यहां भी देखो एंगल ओबीडी, एंगल ओबीडी कॉन्ग्रुएंट एंगल डी एफ ओ, एंगल ओबीडी का मतलब ये एंगल है और एंगल डी एफ ओ का मतलब ए एंगल है, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगेन द रीजन इज एंगल सब एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क, दोनों एंगल सेम आर्क में इंस्क्राइब हुए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। बट एंगल डी एंगल ओबीडी इज बट एंगल ओबीडी इज एक्स डिग्री, देयरफॉर एंगल डीएफओ इज इक्वल टू एक्स डिग्री। एंगल बीडीओ डीबीओ एक्स है, इसका मतलब यह हुआ कि ए एंगल भी एक्स होना चाहिए बिकॉज बोथ द एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, ए एक्स हो गया और आप देखो ए एक्स है और ए एंगल भी एक्स है। अगर ये दोनों एंगल एक्स है तो रे एफ ओ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई एफ डी, देयरफॉर एंगल एफ डी ओ कॉन्ग्रुएंट एंगल ई एफ ओ। ये कैसे हमने लिखा डायग्राम से, हमने पहले भी बता दिया था, इसका मतलब यह हुआ कि रे आर एफ ओ इज एंगल बाइसेक्टर, रे एफ ओ इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई एफ डी, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई एफ डी। Similarly, we can show ray EO and ray DO, ray EO and ray DO are also angle bisectors. रे ईओ का मतलब ये है, रे डीओ का मतलब ये है, ये एंगल भी हम एंगल बाइसेक्टर प्रूव कर सकते हैं जैसे हमने रे एफ ओ किया। एंगल बाइसेक्टर सब ओ से मिल रहे हैं, इसलिए पॉइंट ओ इज इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। टू प्रूव में हमने हमें यही दिखाने के लिए कहा था, शो करने के लिए कहा था, देयरफॉर Point O is in center of triangle DEF. ध्यान से देखो, दो या तीन स्टेप में हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया है। पहला स्टेप क्वाड्रिलेटरल AFOE साइक्लिक दिखाना, साइक्लिक दिखाने के बाद दो एंगल यक्स यक्स, इसके बाद 90 माइनस एक्स, इसके बाद ए एक्स पे लाना है। ए एक्स पहले क्यों लाना है, क्योंकि हम ये क्वाड्रिलेटरल पहले भी साइक्लिक कहते थे, कर सकते थे, लेकिन ऐसे हमने नहीं किया, पहले ए एंगल एक्स दिखाया और उसके बाद उस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक बताया, उसके कारण मुझे ए एंगल और ए एंगल एक्स दिखाने के लिए चांस मिला और ए एंगल और ए एंगल बाइसेक्ट हुए, ये हमें हमें दिखाने के लिए चांस मिला। तो पहला क्वाड्रिलेटरल AFOE
उसके बाद 90 माइनस एक्स, उसके बाद x, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल FDDO साइक्लिक दिखाना है, और साइक्लिक दिखाने के बाद FO एंगल बाइसेक्टर दिखाना है। अगर FO एंगल बाइसेक्टर है तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट O इज इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल DEF, यही ये हमें शो करने के लिए कहा था। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसी तरह के एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं तो सर्जरा रोज ये यूट्यूब चैनल मेरा है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे टच करें, क्योंकि इस तरह के एग्जांपल आपके पास बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। थैंक यू।